अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रूस की कोशिशों के बाद हुआ सीज़फ़ायर का समझौता 5 मिनट भी नहीं टिक सका। इस लड़ाई में तुर्की अजरबैजान के साथ मजबूती से खड़ा है, जबकि अर्मेनिया के करीबी होने के बावजूद रूस अब तक खामोश है। जबकि तुर्की ने कहा है कि अजरबैजान की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए अर्मेनिया उसके इलाके से कब्जा छोड़े, तभी वो किसी शांति वार्ता का समर्थन करेगा। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति रसेव तैयब एर्दोगान ने बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि रूस पिछले 30 सालों में अर्मेनिया अजरबैजान के मुद्दे को सही तरीके से सुलझाने में नाकाम रहा है, और यही वजह है कि तुर्की इस संघर्ष में रूस की परवाह किए बगैर अजरबैजान का खुलकर समर्थन कर रहा है। हालांकि तुर्की की आक्रामकता के बीच रूस की खामोशी को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल सोवियत संघ के पतन के बाद अक्सर ये बात कही जाती रही है कि रूस की नियति में अभी बहुत कुछ देखना लिखा है, और अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद एक बार फिर से ये बात दोहराई जाने लगी है। कभी सोवियत का हिस्सा रहे देश भी अब रूस के प्रभाव से निकलकर अपनी क्षेत्रीय ताकतों के करीब जा रहे हैं। पश्चिम में यूक्रेन और बेलारूस अपने यूरोपीय पड़ोसियों के ज़्यादा करीब हो गए हैं। चीन भी सोवियत का हिस्सा रहे पश्चिम एशियाई देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो वहीं अजरबैजान भी तुर्की के नज़दीक जाता दिख रहा है। ऐसे में देखा जाए तो तुर्की रूस के सामने एक नई क्षेत्रीय ताकत के तौर पर उभर रहा है और अजरबैजान को अपना पूरा समर्थन दे रहा है। गौरतलब है कि नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर 90 के दशक में भी अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच जंग छिड़ी थी, जिसे रूस की मध्यस्थता में ख़त्म किया गया था। हालांकि रूस ने अर्मेनिया के जीते हुए इलाके को लेकर यथास्थिति कायम रखी। अर्मेनिया के साथ रूस की सैन्य साझेदारी है, हालांकि रूस के अजरबैजान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में रूस दोनों ही देशों को हथियारों की आपूर्ति करता है। अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। साल 2016 में जब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच संघर्ष छिड़ा तो रूस ने एक हफ्ते के भीतर ही दोनों को सीज़फायर के लिए मना लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है तुर्की। इसके अलावा तुर्की के हथियार, कूटनीतिक समर्थन और कथित तौर पर तुर्की के सहयोगी सीरियाई लड़ाकों के जंग में शामिल होने की वजह से अजरबैजान को अब लगने लगा है कि वो रूस के सामने झुके बिना अर्मेनिया के खिलाफ जंग जारी रख सकता है और अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर सकता है। हालांकि इस नई हकीकत से रूस भी वाकिफ है, और इसलिए वो अर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में सीधे तौर पर लड़ने से बच रहा है। जब तक ये संघर्ष अर्मेनिया के कब्जे वाले इलाके तक सीमित है, तब तक रूस इस जंग में शामिल नहीं होने वाला, क्योंकि अर्मेनिया के साथ रूस का नाटो की तरह सैन्य गठबंधन है, और इस इलाके में रूस के एक सैन्य बेस में करीब 2500 सैनिक मौजूद हैं। इन सब के बावजूद अर्मेनिया रूस को अपने साथ लाने में नाकाम रहा है। रूस ने फिलहाल अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर खुद को सीज़फायर की कोशिश तक ही सीमित रखा है। अगर रूस अजरबैजान पर अर्मेनिया के कब्जे के सामने झुकने के लिए दबाव बनाता है, तो अजरबैजान हमेशा के लिए तुर्की के प्रभाव में चला जाएगा। अगर रूस अर्मेनिया का साथ देता है, तो ये तुर्की और रूस के बीच एक खतरनाक जंग में तब्दील हो सकता है। साथ ही रूस की मजबूरी ये भी है कि वो तुर्की के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुर्की के राष्ट्रपति रसेव तैयब एर्दोगान की विरोधाभासों से युक्त दोस्ती से न केवल रूस को कई भू रणनीतिक फायदे हुए हैं, बल्कि पश्चिमी देशों को लेकर रूस और तुर्की एक जैसी ही सोच रखते हैं, और यही उनकी बेमेल दोस्ती का आधार भी है।